हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबके लिए फ्री रखूंगा जैसे आपने रखा है जी उसके बाद सामने वाला इंसान जो है वो क्या कर रहा है और क्या उसका, उसका मोटिव है लाइफ में उसके हिसाब से मैं उसको चार्ज करूंगा चार्ज करूंगा या नहीं करूंगा वो उसके मोटिव के ऊपर डिपेंड करता है उसका लाइफ का मोटिव क्या है ओके okay. आप वो एक्सप्लेन करोगे ना मतलब हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं तो मुझे आपके साथ एक्टिविटी एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी करनी है है आपके साथ अगर आप परमिशन देंगे तो देखेंगे का थैंक 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 यू 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 सी अभी हम लोग क्वेश्चन चार्ज चार्जिंग पे नहीं आ रहे हैं मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कोच हो अभी हो या नहीं हो आप कोचिंग करते हो या नहीं कोच की भी कई सारी डेफिनेशन होती है मीन एज सच मतलब आपके क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इस टाइप से जिस टाइप से आप हो या फिर वन टू वन चार्जेबल और नॉन चार्जेबल तो नॉन चार्जेबल का क्या मतलब है मेन कुछ कोच ऐसे होते हैं जो चार्ज लेके ही कोचिंग देते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लाइफ टाइम में अपने जितने भी उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं जो भी उनसे एडवाइस लेते हैं उनको फ्रीली एडवाइस करते हैं अच्छा मैं एडवाइस की नहीं बोल रहा मैं कोचिंग की बोल रहा हूँ जी जो एडवाइस देता है वो कोच नहीं है जी वो काउंसलर है या कोच है वो कभी एडवाइस नहीं देते थे वो सवाल पूछता है आपने देखा मैं सब सवाल पूछ रहा हूँ मैंने अभी तक किसी को एडवाइस दिया एक भी एडवाइस दिया किसी को मैं तो सवाल पूछता हूं मैं पूछ रहा हूं आप अगर कोच हो जी आप कोच हो या आप काउंसलर हो या आप क्या हो बेसिकली आई एम ए सोशल लीडर अगर मैं सोशल वेलफेयर so गर... yes, yes. हम फाइट कर रहे हैं वैक्सीनेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जीत चुके हैं हमारी टीम है पूरी एंड बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है लोगों के चेहरे के ऊपर जो मास्क लगा के सब घूमते हैं ये हम हटवाना चाहते हैं बिकॉज ये बहुत डेंजरस है लोगों के लिए <laughs> तो भी हमारा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माफ़ी मांग ली है हमारे सामने और एफिडेविट लिख के दिया है कि वैक्सीन इज नॉट मैंडेटरी कोई भी आपको जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगा सकता आपकी मर्जी है लेना है तो लो नहीं लेना है तो मत लो और मास्क का अगर किसी का चलान बनता है उसको रिसिप्ट लेके रखना है उसको हम पैसे आपको रिश्वत नहीं देनी कि भी सौ दो सौ दे दो और छूट जाओ आपको बकायदा उससे पाँच सौ रुपये की पावती लेनी है फिर आपको हमारे पास आना है हम आपके पैसे वापस दिलवाएंगे जो आपका मेंटल हरासमेंट हुआ उसका कंपनसेशन भी दिलवाएंगे हम आपको गवर्नमेंट से अच्छा मैं मैं अभी वैक्सीनेशन के बारे में बात ही करूँगा तो मेरे ओपिनियन भी हैं लेकिन वो आज की टॉपिक नहीं है और आ, एक सेकेंड सर मैंने एक बार कुछ बच्चों की कोचिंग ली है

कि आप कोर्ट पर जा सकते हो और आप अपना अपनी अपनी राय दे सकते हो आजकल नहीं है आप सोचिए अमेरिका सब जगह में है नहीं है वहाँ जितना आपके पास फ्रीडम यहाँ है कहीं भी नहीं है तो so, uh, really आप दस एम वन रियली गुड नंबर टू आप बोल थे कि आप कोचिंग uh, के मामले में मेरा ओपिनियन है आप कभी ज़िंदगी में फ्री कोचिंग नहीं देना जी मैं आपको बताता हूँ क्यों जी मैं आपके पास आता हूँ मैं आपको फ्री पहले मैं एडवाइस बोलूँगा मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ आप लोग आपका कुछ गया आपके हाथ से नहीं आपने कुछ इन्वेस्ट किया नहीं आप वो क्यों यूज करोगे आप नहीं करोगे चांसेस है लेकिन जो इंसान इन्वेस्ट करता है कोचिंग सेशन में मैं बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा भी चार्ज करोगे नो no प्रॉब्लम और या आप वो चार्ज करोगे और वो पैसा अगर आपको नहीं रखना है वो पैसा लेके आप चैरिटी को दो लेकिन आपको चार्ज करना चाहिए बिकॉज फिर जब मैंने चार्ज किया मेरा इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली है मेरा इन्वेस्टमेंट अपने आप में है मैंने अपने डिसीजन ले लिया कि मैं कुछ करूँगा मैंने ये प्रोग्राम फ्री में रखा हुआ है नो क्वेश्चन में मेरा थोड़ा अलग है देखो मैं अपने सिस्टम में इतना कॉन्फिडेंट हूँ इतना यकीन करता हूँ कि मुझे मालूम है कि अब आप शायद आपको मालूम नहीं मेरा कितना खर्चा होगा ये बैन का आपको मालूम है मेरा कितना खर्चा होगा ऐसे बैन का गैस करो आप अंदाज़ा एनी आइडिया बीस तीस लाख रुपये तो आपने लगाया होगा टोटल आराम से राइट बीस लाख तो लगाए 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 होगा सब मे बी रोम का मुझे नहीं मालूम है कितना है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग लाइट मेरा जो साउंड सेटअप एट द बैक है वो मतलब टॉप एंड है यू you नो know, जो ये लोग जो पीछे साउंड कर रहे हैं ये लोग सबसे बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं मेरा लाइटिंग सब मैंने तो भाई ये बिग इवेंट नहीं है लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है कि मुझे मालूम है कि मेरा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा आई नो अरफीन भाई फेसबुक पे यूट्यूब पे ट्विटर पे आप दो तीन दिन से तो मैंने देखा बिल्कुल छाए हुए हो हाँ। और आ, <laughs> सब जगह पर मैंने देखा है कि अरफीन इज बैक ऐसा लिखा हुआ है तो मैं तो स्पेशली आपसे मिलने के लिए आया हूँ आज कि अरफीन इज बैक तो मतलब कहाँ से आए हो कहाँ चले गए थे, अगर थे, <laughs> थे तो <laughs> <laughs> तो स्पेशली But I'm I'm say, I'm here to to welcome you you in Mumbai. I'm saying drive drive social vaccination against, against, mask that's all fine. लोग इस कंट्री में अपने आप में यकीन करने लगे दोबारा ये इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कुछ ऐसा कुछ कर सकें। मतलब ये तो मैंने कुछ एक बातें बताई इससे पहले हम पचास सरपंच सस्पेंड करवा चुके करप्शन चार्जेज में

मैंने अपना काम शुरू किया एक साल के बाद मुझे एक फ़ोन कॉल आया नाम नहीं लूँगा आज लेकिन एक दिन लूँगा शायद आपको बताऊँगा बाद में राइट एक पॉलिटिशियन मुझे फ़ोन करता है कि बोलते हेलो मेरा पैसा कहाँ है मैंने बोला बोलते मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ मैंने बोला कि मिलो मेरे से मैंने सोचा वाह वाहन मीरा पॉलिटिशियन ये मुझे क्या मालूम है तो मुझे बोल रहा कि मिलता है मेरा कट कहाँ है मुझे नहीं समझ आया मैं थोड़ा न्यू था मैंने बोला आपको

डेंजरस कहानी मेरी लाइफ की शुरू हो गई मेरे ऑफिस में पुलिस का रेड हुआ था और मैं सोचा हूं <laughs> तो ये आदमी राइट ये आदमी हंस हंस के पागल हो गया कि मेरी रेपुटेशन की ट्राई टू डिस्ट्रॉय एनीवे स्टोरी हिंदी में बोलते आ, लेकिन कुछ नहीं कर किया मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं मुझे बहुत गलत इंसान से फाइट किया मैंने सोचा अपने आप के मैंने सोचा कि मैंने मैंने कुछ गलत नहीं किया मैंने कुछ क्राइम नहीं किया मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ और ये जो राइट <laughs> right? मुझे भी गालियाँ आ गई बहुत अच्छी अच्छी स्पेशली गुड पंजाबी गालियाँ बहुत अच्छी आती हैं राइट right? ये आदमी मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा अगर मेरा माइंड वीक होता मैं कभी ज़िंदगी में यह भी खड़ा नहीं होता नहीं तो क्या हुआ लड़ा लाइव रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूं वो जो भी पॉलिटिशियन हो एक्स वाई जेड कोई भी हो अगर अरफीन भाई के पास प्रूफ है उन्होंने ऐसा कट मांगा है तो मैं कोर्ट तक घसीट के लेके आऊंगा अरफीन भाई और अरफीन भाई को अगर नहीं मिला इनकेस की अगर वो भी बैकआउट कर गए पीछे हट गए और मुझे वो प्रूफ मिल गया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं मेरा नाम नोट कर लेना anyway, तो मैं कोर्ट मिला मैं फाइट किया और मैं आखिर में जीता कोर्ट में मैं जीता बिकॉज मैं कुछ गलत नहीं है, मुझे इतना फेथ था सिस्टम में मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आदमी आरफीन था जब आया था यहाँ और उस इंसिडेंट के बाद मेरी पूरी लाइफ बदल गई को मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग बन गया जैसे ये है ये भी बहुत मुश्किल से गई हुई है स्ट्रांग बन गई है रागे? ऐसे काफ़ी लोग हैं जैसे जेमिनी है वो भी बहुत तकलीफ़े से गए लेकिन स्ट्रॉन्ग बन गए जैसे नवाज़ है उसको भी मैं बीस साल से जानता हूँ ऊपर नीचे ऊपर नीचे फिर भी स्ट्रांग बन गई मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंडिया में अगले पाँच साल में लोग अभी कमज़ोर हो गए हैं लोग डर मैंने मैं आपके एग्जांपल दूँ मैंने मैं कभी मैंने ये बोला नहीं ये स्टेज पे लेकिन मैं बोलूँगा केयर तब ये लॉकडाउन हुआ था मैंने एक फेसबुक पे मैसेज लिखा है लिखा था मैंने लिखा व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग फॉर स्मॉल बिजनेस गवर्नमेंट क्या कर रहा है स्मॉल बिजनेस मैंने ये नहीं लिखा कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा मैंने मतलब वॉट जनरल क्वेश्चन है कुछ सपोर्ट ओ माई गॉड जो मुझे गालियां मिली है लाइक आइस मैन पाकिस्तान सपोर्टर मैंने डिलीट <laughs> कर दिया कॉमेंट नहीं करना चाहिए था लेकिन मैं बोल रहा हूं इंसान डर गया कि क्या बोले क्या नहीं बोले अगर यह बोल दिया क्या होगा ना आप इमेजिन करो आप अपनी लाइफ में भागना चाहते हो और भागने की तरफ आप देख रहे हो क्या बोलो ये अगर ये बोल दिया गलत ये कर दिया गलत ये कर दिया गलत वो कर दिया गलत कैसे बोलोगे आप तो डरते नहीं हो आई लाइक दैट वेरी नाइस राइट आपके अंदर कॉन्फिडेंट इज फैंटेस्टिक आप फाइट कर रहे हो अमेजिंग लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि कोचिंग के बगैर का फ्यूचर नॉट गुड बिकॉज़ सब लोग बकरे बन गए आई वांट टू बी ए सोशल एंड पॉलिटिकल कोच फॉर द आई थिंक इट्स दिंक ग्रेट आइडिया पब्लिक ऑफ आर कंट्री स्पेशली फंडामेंटल राइट जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ है जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट आपको मेरे कोच वीर से मिलना चाहिए मुझे है वीर है या आपको इससे भी भी मिलना चाहिए वो भी हाँ, आपका इरफान भाई मुझे मिले थे उन्होंने मुझे बताया था आप इससे भी भी मिलो वो भी आपका बहुत अच्छा आ, आपका। एक सेकंड और मैं लेना चाहूंगा हम, तो, हम सब आपस में कर रहे हैं तो जैसे आपने बताया आपके साथ ऐसा हुआ है हमारे साथ और भी ज्यादा गलत गलत कुछ कुछ हुआ है सबसे ज्यादा उसमें मतलब इतना ज्यादा गलत कुछ नहीं लेकिन आई एम ए फार्म लीडर ऑल्सो किसान नेता भी हूँ मैं तो किसान आंदोलन जो चल रहा था दिल्ली में डेढ़ साल तक चला है मैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट था ग्राउंड लेवल पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया है वहाँ पर वो सब देखते हुए जो आपको तो कमेंट आए हैं अरफिन भाई कि आप पाकिस्तानी सपोर्टर हो एंड पाकिस्तान को समोर्ट आ रहा है आपको एंड और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पैसे आ रहे हैं वो वो हो रहा है ये सारी चीज़ें खालिस्तानी हो आप टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हो ये सारी चीज़ें हमें भी मिली हिंदू मुस्लिम के अंदर बांट देना लोगों को अभी हमने यूपी इलेक्शन में नहीं बटने दिया लोगों को हिंदू मुस्लिम में

आई एस आई पी एस करने वाले बच्चों को मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ कि ये है कॉन्स्टिट्यूशन ये पॉलिटी है जो आज के डी सी एस पी जो बनते हैं खैर ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने मोदी गवर्नमेंट ने बोला हरियाणा सरकार को बीजेपी गवर्नमेंट को और उन्होंने बोला अपनी पुलिस को जैसे आपके पास रेड पड़ी रात को डेढ़ बजे हमारी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई मैं ड्राइव कर रहा था मेरी स्कोटा को लिंक रोड के ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई बारह तेरह राउंड फायर किए उन्होंने रात को मैंने लगभग 500-600 मीटर लिंक रोड पे गाड़ी बैक गियर में भगाई है उस उस मोमेंट से बचने के लिए फिर हम शहर के अंदर घुस गए वहाँ पे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा थे तो पुलिस कुछ कर नहीं पाई वो जो रात को बदमाश बन के आए थे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में जो मतलब पॉलिटिकली सपोर्टेड थे उनको लगता था कि आज हम इनका फेक इनकाउंटर कर देंगे और कुछ ना कुछ दिखा देंगे ड्रग्स वगैरह इनकी गाड़ी में कि ये तो स्मगलर हैं लेकिन इतना भी आसान नहीं होता प्रूव करना क्योंकि जैसे आप मेरा नाम डालोगे तो गूगल पे बहुत कुछ निकल के आ जाएगा तो वो इतना जल्दी मिट नहीं सकता है और मेरे गवाह बहुत सारे हैं बहुत सारे दिल से लगे हुए दोस्त हैं प्यारे हैं सब वो बोल देंगे तो आज वही पुलिस वाले और जो एम उनको सपोर्ट कर रहा था आज वो अगर मैं लिटरली मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आज हम थूक दें तो उसको चाटने के लिए तैयार हैं माफी मांग रहे कि हमें छोड़ दो और हम हैं कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं कोर्ट में घसीटा है गवर्नमेंट भी बनाएंगे और जितने भी क्रिमिनल्स हैं चाहे पुलिस वाले हो चाहे पॉलिटिशियंस हो कोई भी हो एक एक बंदे का नंबर आएगा आई इन गॉड मेरे मेरे ओपिनियन में यह है कि अगर आपको कुछ करना है अपनी कंट्री के लिए आप लोगों को इतना मजबूत बनाओ कि वो डरे नहीं जो डरता नहीं है वो आगे बढ़ता है आप ये जो अमेजिंग कंट्री है राइट right नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये है कि लोग इतने ऑटो पायलट में चले गए ऑटो पायलट है इस सही आप ऑटो पायलट बन गया है अगर आप मैं, वैसे मेरे मेरे बच्चे शादी के थर्टीन ईयर्स के बाद हुए फर्स्ट ईयर में मेरी वाइफ ब्राइडिंग थी वो मिस कैवेज हो गया उसके बाद नहीं अभी मेरे जुड़वे बच्चे हो गए थैंक यू वेरी मच राइट वो टू एंड हाफ के मैं लेकिन मैं उनको स्कूल नहीं भेजने वाला हूँ मैं नहीं भेजूंगा स्कूल मेरा दिमाग ख़राब नहीं कि मैं फोर्टीन उनको स्कूल में भेजूँ उनको स्कूल में भेजूंगा मैं लेकिन नॉट नॉर्मल स्कूल डू दैट माय टाइम खराब मैं चाहता हूँ उनको नॉलेज सीख है इमोशन सीखे तो पांच एक साल तक के जब तक होंगे तब तक तो हम अच्छी गवर्नमेंट देश में बना देंगे <coughs> और अच्छे अच्छे स्कूल होंगे यहाँ पर आप बिंदास सकते हो नहीं फैंटास्टिक मुझे में नहीं, मैं खाली बोल रहा हूं कि, अगर आप देखोगे हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम यहाँ है यहाँ कोई काम नहीं करता है आपको स्कूल में सिखाया दिया गया था कैसे स्ट्रॉन्ग बनो आपको सिखाया गया था मनी कैसे मैनेज करो आपको सिखाया गया था रिलेशनशिप कैसे बनाओ आपको सिखाया गया थे इमोशंस कैसे हैंडल करो हमको कभी नहीं सिखाया गया हमको सिखाया गया मैथ्स इंग्लिश जोग्रफी हिस्ट्री क्या करूँ उसके साथ मैं अगर ये वीक कमज़ोर है तो ट्री कैसे बनेगा मैं चाहता हूँ कि ये यश yes, अभी मैं बच बच्चों की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ कोचिंग जो इन कोचिंग अमेरिका में तीस साल पहले आया था थर्टी फाइव पहले <coughs> इंडिया में अभी आया है लोगों को समझ नहीं है क्या है आप सोशल वर्क कर रहे हो फैंटेस्टिक आपके आपके आप मूवमेंट बना रहे हो अमेजिंग नो no प्रॉब्लम लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नाइन नाइन्टी नाइन परसेंट लोग आपसे कभी मिलेंगे नहीं 99% नाइन परसेंट के लोग आपसे इम्पैक्ट अभी नहीं होंगे लेकिन अभी इस वक्त अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना आपको यहाँ लेके आना या बिकॉज आप अपनी लाइफ में देखो अगर आप इस रूम में हो 24 साल के ऊपर हो और आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या आपके पास रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है या आप खुश नहीं हो समथिंग इज रॉन्ग है या आपके ऊपर अपने आप पे यकीन चला गया या आपके बिलीफ आपके सराउंडिंग्स में नहीं है या आपके पास अंडर बिलीफ नहीं है कि आप खुद कर सकते हो सी ये नहीं आप ये नहीं, नहीं बोल सकते हो कि ओ मेरे पास फैमिली नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है मेरे पास गवर्नमेंट अच्छा नहीं है ये अच्छा नहीं है सी मेरेपी में पॉलिटिक्स में कोई भी गवर्नमेंट ना आई नॉट सीन मच डिफरेंस इन एनी ओथर लेकिन जब लोग बदलते हैं जब दुनिया दब पूरी दुनिया बदलती है तो पूरी कंट्री बदलती है सी कोई भी गवर्नमेंट आपका कंट्री नहीं चला सकता इट्स इस इम्पॉसिबल आपका पब्लिक कंट्री चलाता है और उसका माइंड सेट अब स्ट्रॉन्ग है उनका माइंड सेट अब पावरफुल है तो कुछ भी आप बना सकते हो मेरा मकसद यह है कि आप लोग कोचिज बनो आप लोग एक एक इंसान को पकड़ो उनको बोलो कि मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ ना मैं आपको एडवाइस देने आऊँ ना मैं आपको मोटिवेट करने मैं आपको दिखाने आया आऊँ कि सिस्टम क्या है एक सिस्टम है एक प्रोसेस है मैं आपको थैंक यू वेरी मच आई अप्रीशियर यर थैंक यू वेरी मच थैंक यू ब्रदर थैंक यू सो मच टाइम बहुत कम है मैं आपको थोड़ा एक थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ हमारा प्रोसेस क्या है तो मैं क्या करता हूँ आपका नाम क्या है मैम अनीशा तो समझो अनिशा आ गई है तनिष तो आप आइए यहाँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इफ यू डोंट माइंड अनिशा आप क्या करती हो आप माइक पे प्लीज सलाम आप आपका खुद का सैलून है ओके आप मतलब हेयर मेकअप नेल्स माइक माइक स्किन एंड हेयर कहाँ करते हैं आप माहिन माहिन ओके तो and आप कितने कितने साल से बिजनेस चला रहे हो फाइव टू सिक्स इयर्स कैसे चल रहा है ओके okay का क्या मतलब होता है अभी थोड़ा सेट हुआ है। अच्छा है या अच्छा नहीं है सिंपल। पहले कोविड टू, 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 okay. so, yes. अगले पांच साल में आपका सालोन कैसे होगा सोच तो रही हो अच्छी तरह से जैसे आपकी इनकम लाख है समझो आप उसको दस लाख कर सकते हो उसी सालोन में उसमें नहीं ब्रांच, ब्रांचेस ब्रांचे राइट ओके सर लेस अंडरस्टैंड मैं ये इनका बिजनेस था अभी हम मैं आपकी सोच समझना चाहता हूँ मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग सब अपने आपको <laughs> आप को जवाब दे अगर आपको समझ नहीं आए मेरे से पूछ लेना जब भी आपको कुछ पूछना है आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हो और इसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं नो प्रॉब्लम तो मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ आपका नाम क्या है दोबारा अनिशा अनिशा तो अनिशा यहाँ है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसका स्ट्रेटिवेज होगा अनिशा आप कौन हो मैं कौन और huh? okay. ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको पूछता हूँ कि आप कौन हो लेकिन ये आपके एट्रीब्यूट है नो no प्रॉब्लम लेकिन आप कौन हो

सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सबसे जैसे मैं उनसे श्याम से पूछ पूछना चाहता था कि आप कौन हो लोग मुझे बोलेंगे मैं मैंने ऐसे पूछा आप क्या करते हो सर बोला मैं अपना पार्लर है अगर मैं किसी से पूछूँ आप कौन हो बोलेंगे मैं अकाउंटेंट हूँ मैं डॉक्टर मैंने बोला नहीं आपका काम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ आप कौन हो सो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि मैं कौन हूँ हमारा प्रोसेस जो है वो आपकी बुनियाद से शुरू होता है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बुनियाद पर्सनैलिटी की किस चीज़ से बनी हुई है आप क्या बताओगेट तो उसमें क्या क्या है अपने ऊपर ज्यादा वर्क करती हूँ अच्छा। कर में में कर तो आप बचपन आप छोटे थे आपके घर में जैसे मेरे डैडी बोलते थे हमेशा ते, तुम क्या सोचते हो तुम्हारे बाप की मिल लगी हुई है हुँ. ते पैसे मांगते रहते हो हमेशा आई सुहेद आए ये भी बोलते थे एवरी थिंग इज पॉसिबल वो भी बोलते थे कि अगर हाथी रखना है घर के दरवाजे बने रखो right, राइट क्या, क्या वर्ड्स होते थे नहीं, और कौन आपके साथ नहीं, अकेले, अकेले ही तो आपको अप्रिंगिंग कैसे दिया Universe. You must

आप करोगे राइट लेकिन इसका फाउंडेशन इसकी बुनियाद इसको नहीं मालूम है ये बोले आई एम लाइकबल आई एम स्ट्रॉन्ग आई एम लविंग आई एग्री लेकिन जो इस लेडी को बनाता है ये लविंग स्ट्रॉन्ग नहीं। इससे ज़्यादा कुछ होगा प्रॉब्लम <coughs> क्या है मैं आपको तो बताता हूँ जब भी मैं किसी से मिलता हूँ मैं आपसे बोलता हूँ आप कौन हो ऐसे देखते हैं मुझे भैया कैसा सवाल है राइट right, तो मैं बोलता हूँ अच्छा पर्सनैलिटी टेस्ट करो ये आपका डिस्क्रिप्शन लेकिन आपके बुनियाद क्या है बोलेंगे क्या मतलब बुनियाद क्या है See, हमारे सिस्टम में कोई थ्री हंड्रेड एंड एटी लव्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग लविंग फोकस जो भी है उसमें से अगर मैं आपको बोलूँ इसमें से चुनो लोग पचास चुनेंगे उसमें से कि ये पचास मैं हूँ वो पचास में से मैं बोलूँगा कि चौबीस चुनो फिर आप चौबीस चुनोगे उस चौबीस में से आप छः चुनोगे और उसको ऑर्डर में डालोगे फिर मैं बोल सकता हूं कि ये छे मेरा मेरा कोर है कि मैं कौन हूं स्ट्रांग, आई थिंक हो सकता है शायद इसका एक एट्रीब्यूट है आपका गुस्सा है no. नॉर्थ हो काम हो बहुत, बहुत. ज्यादा बोलती शाउट नहीं करती हो लॉकडाउन okay. में बहुत कुछ सीखा ये सब चीजें वर्क किया उसके ऊपर। ओके okay. आपने पर्सनालिटी टेस्ट किया पर्सनालिटी hmm? टेस्ट किया आपने? No. नो। no. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है इसने मेहनत की पूरी लाइफ अगर मैं आ, आपको बोलूं कि दिन में अगर आ, तीन इमोशन है एक है कि आप उदास हो एक है कि आप पर, और एक है कि आप खुश हो आप अपना टाइम ज्यादा कहाँ गुजरती हो सच बताना। पता ना नहीं में आप उदास हो hmm. no? रहा हूँ hmm. एक में आप care, और एक में आप खुश हो समझो ये मीटर है आप इन तीनों में से ज्यादा टाइम कहाँ गुजरती हो खुश। और आप yes. ज्यादातर आप किस चीज़ में खुश रहती हो? मैं जो भी काम कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ उसमें। अच्छा काम के अलावा क्या करती हो? जिम करती हूँ अलग वर्कआउट। और जिम के अलावा क्या करती हो? आप शादीशुदा? Okay. Uh, yes, I have two daughters. And what is your husband? Um, hmm? He? He? तो husband is not doing. वो अभी बिज़नेस ही कर रहा है लेकिन डाउन है अभी